म्यांमार के जनरल पर चलेगा अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय में मुकदमा। म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों के साथ हुए क्रूरता को संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में व्यापक नरसंहार किया गया घोषित। म्यांमार की सेना प्रमुख पर अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय में मुकदमा चलाने की कही बात। रिपोर्ट में जांचकर्ताओं ने रोहिंग्याओं के नरसंहार के लिए म्यांमार के सेना अध्यक्ष मिन आंग हलाइंग समेत 5 अन्य जनरलों को माना दोषी। पिछले साल अगस्त में रोहिंग्याओं पर टूटा था कहर, करीब 7 लाख रोहिंग्याओं को जान बचाने के लिए लेनी पड़ी थी बांग्लादेश में शरण। 2 दिवसीय यात्रा पर राहुल करेंगे मुआयना। केरल में हुई भयंकर तबाही के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी 2 दिवसीय केरल यात्रा कर हालात का मुआयना करेंगे। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम के बाद चेंगानूर, अलप्पुणा और अंगमाली के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का करेंगे मुआयना, साथ ही राहत शिविरों की जांच और बाढ़ पीड़ितों से करेंगे मुलाकात। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार से की केरल आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग। जीपीएस से होगा सरकारी वाहनों पर कंट्रोल। दिल्ली सरकार ने सरकारी गाड़ियों के बेवजह इस्तेमाल की रोकथाम के लिए लिया बड़ा फैसला। सभी गाड़ियों में जीपीएस सिस्टम लगाने का दिया आदेश। अधिकारियों को सख्त निर्देश, केवल एक ही वाहन का करे इस्तेमाल। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद एक्शन में दिल्ली सरकार। 10 रुपए में खाना दिलाएगी एनएसयूआई। कांग्रेस विंग के एनएसयूआई ने जारी किया चुनाव जीतने के लिए घोषणा पत्र। चुनाव जीतने पर छात्रों के लिए 10 रुपए में खाना उपलब्ध करवाने का किया वादा। पिछले अनुभव को ध्यान में रखते हुए एनएसयूआई की मांग, 5वीं पीढ़ी की मशीनों के माध्यम से हो इस बार चुनाव। एशियन गेम्स में पीवी सिंधु ने रचा इतिहास। भारत का एशियाई खेलों के एकल मुकाबले में पिछले 36 वर्षों का सूखा हुआ समाप्त। एशियाड गेम्स में रियो ओलंपिक खेलों की रजत विजेता ने एक बार फिर रचा विदेशी धरती पर एक नया इतिहास। 18वें एशियाड में बैडमिंटन की एकल स्वर्ण पदक मुकाबले में पहुंचकर ऐतिहासिक उपलब्धि की प्राप्त। वहीं बैडमिंटन खिलाड़ी सायना नेहवाल को कांस्य पदक से करना पड़ा संतोष। शनि मंदिर में दर्शन कर ट्रोल हुई सारा। मुंबई की जुहू में स्थित शनि मंदिर में दर्शन के लिए पहुंची सैफ अली खान की बेटी सारा अली खान। मंदिर में दर्शन करते, तेल चढ़ाते और दान करते वक्त का वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। वायरल वीडियो पर लगी ट्रोलर्स की लाइन, लोगों ने मजहब पर उठाए सवाल तो किसी ने याद दिलाया मजहब।